मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आप लोगों का केस के ऊपर आते हैं। जो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है वो कुछ भी नहीं है, बस नोवेल एक्सप्लेन करनी है। और नोवेल एक्सप्लेन करने में ये है कि जैसे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि जो शावेन है इस टाइम पे वो ड्रैगनस पे जनजाति के अंदर आ चुका था। उसने वेस्टर्न किंग के साथ फाइट की थी और उस वेस्टर्न किंग को भी इस टाइम पे अपना गुलाम बना लिया था। और जो जिया थी अभी इन चारों द्वीपों को एक मिलाने में सक्षम रही थी और पूरी की पूरी वो ड्रैगनस पे जनजाति एकजुट हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करके अभी तक लगभग शावन को एक हफ्ता बीत चुका था। जिस कमरे के अंदर वो इस टाइम पर कल्टिवेशन कर रहा था वहाँ पर हमें दिखाए थे शावन को, जिसने अभी तक वो जो ड्रैगन था वो वेस्टर्न ड्रैगन उसके चेहरे को मतलब कि एकदम लगभग लगभग डिफाइन करके बदल दिया था। हालांकि उसकी सोल एक बार बीच में जागरूक हो गई थी, लेकिन उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करके जो होलो सोल का फर्स्ट त्यानजुन था जिसको शावन ने मार के उसकी सोल को चुरा लिया था, उसको इसके अंदर डाल के एक पपेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से की जो ताकत है वो भी 6 स्टार डाउशन तक पहुंच जाती है। लेकिन शावन इस चीज़ से थोड़ा बहुत निराश था कि यार अगर इसकी 7 स्टार डाउशन तक पावर पहुंच जाती तो सच में मज़ा ही आ जाता यार। मतलब कि क्या ही तो मतलब कि एकदम स्वाद आ जाती ज़िंदगी की अगर ये 7 स्टार डाउशन बन जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये 6 स्टार डाउशन बन चुका है ये भी काफ़ी है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है कि जो मेरा यहाँ पे लिटिल ही है उसने उस रेड कलर के जो जो भी आप मन का या जिसके अंदर पावर थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से मेरी कल्टिवेशन वो थोड़ी बहुत ही बढ़ चुकी है। अगर मतलब कि मुझे थोड़ा बहुत मतलब कि कुछ एक लगभग 1-2 साल का टाइम लगेगा शायद से 6 स्टार टॉशन बनने में। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है कि मुझे पहले लाइटिंग वर्लपूल के अंदर जाना चाहिए जहाँ पर मैं इसकी पावर को बढ़ा सकूँ, यानी कि जो आपके जो पपेटस की पावर को शायद से मैं बढ़ा सकूँ। और इस बार मुझे डीप में जाना चाहिए ताकि मैं इसकी पावर को अच्छा खासा मतलब कि बढ़ा पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो यही सब डिसाइड करके इस दरवाजे को खोलता है। जैसे वो दरवाजे को खोलता है हमें दिखाया जाता है वहाँ पे क्वीन मेडसा और जो जिया थी वो सामने टेबल पे बैठ के एकदम मस्त चाय पी रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है वो सामने जब शावन का आते हुए देखती है जल्दी से शावन के पास चल जाती हैं। हमें दिखाया जाता है जो शावन के जैसे वो पास आती हैं तो शावन होता है वो कहता है कि क्या जिया तुमने अपने यहाँ के जितने भी मैटर्स हैं उन्हें सॉल्व कर लिया है। तो जो जिया होती है वो कहती है कि हाँ यहाँ पे हमारी जो जितनी भी ड्रैगन स्पेस जनजाति आसपास के पूरे एरिया को एक बार अच्छे से चेक कर लिया है और कोई भी सस्पिशियस चीज़ यहाँ पर नहीं है। कैसे सस्पिशियस चीज़ ये कहने का मतलब कि यहाँ पर कोई भी अजीब चीज़ नहीं है जो कि किसी ने मतलब कि इन्हें कोई चलाकी से कोई चीज़ को रख दिया हो जिसकी वजह से अगर ये लोग मर भी जाएँ तो वो ड्रैगन स्पेस जनजाति को बाद में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इन्हें अपनी प्रोटेक्शन का जितना भी था मतलब कि सारा कुछ एकदम ध्यान से देख लिया था। उसके बाद इन्होंने मतलब कि जितने भी लोग थे जिनके घर वाले मर चुके थे उन्हें भी मतलब कि थोड़ा बहुत समझाया और वो लोग भी फिर अब खुशी खुशी रहने लग चुकी क्योंकि 1 हफ्ता बीत चुका था, 1-2 हफ्ते बीत चुके थे इस बात को, जिसकी वजह से। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने मतलब कि सेटल हो चुके थे एक आइलैंड के ऊपर सब लोग अब मिलकर जुल के रहने लगे थे और एक नई शुरुआत हो चुकी थी। और यहाँ के जो एल्डर्स थे उन्हें सारे मसलों को अब संभाल लिया था और यहाँ पे अब कोई भी सस्पिशियस चीज़ नहीं थी, इसकी वजह से जो जिया थे वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। जो शावन होता है वो उसके पीछे से पपेट एक चलता हुआ आ रहा था और कहती है कोई पपेट कोई और था, वेस्टर्न किंग था। हालांकि जिया भी पहली नज़र में इसको मतलब कि नहीं पहचान पाती थी, जो शावन उसको बताता है कि इसने ये वेस्टर्न किंग का पपेट बना लिया है तो इसमें उनकी जिया को तो थोड़ा बहुत अजीब तो लगता है। लेकिन जब वो देखती है कि शावन की प्रोटेक्शन करेगा आगे चल के तो उसे अच्छा लगता है इस बारे में। और लेकिन हाँ, जिया भी इसको पहचान नहीं पाई थी क्योंकि शावन ने पूरी तरह से इसको चेंज कर दिया था। तो जो जिया होती है वो कहते बस मुझे बता दे बाकी किसी को मत बताना कि वेस्टर्न किंग है। तो शावन कहता है वो हंसते हुए कि कोई बात नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, टेंशन ना लो, अभी मुझे वापस से वर्लपूल के अंदर जाना है ताकि लाइटिंग एब्जॉर्ब करके थोड़ा बहुत पावरफुल बन सके। तो जिया कहती है ठीक है, क्या तुम लाइटिंग वर्लपूल के अंदर जाने वाले हो, लेकिन हाँ ध्यान रखना ज़्यादा डीप में मत चले जाना क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो शावन तो मेरी फिक्र मत करो मैं जल्दी जा रहा हूँ। और क्यूनर से कहता है अगर मतलब कि फॉरन स्टॉप से कोई भी मतलब कि मैसेज आता है अगर तुम्हें जाना पड़े तो तुम चले जाना, मेरा ज़्यादा इंतजार मत करना, शायद से मुझे क्या पता वहाँ पर टाइम लग सकता है। तो जो क्वीन मेडर्स होती है कहती है ठीक है अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं चली जाऊँगी वरना तब तक मैं यहीं पर रहूँगी। तो जो शावर होता है वो कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम यहाँ पे रहना चाहती हो मेरे साथ वापस चलोगी तो तुम्हारी मर्ज़ी है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो यहाँ से चला जाता है वर्लपूल की तरफ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लाइटिंग वर्लपूल के पास पहुँचता है जहाँ पे इस टाइम पे मतलब कि आसपास लाइटनिंग्स तड़क रही थी। शावन कहता है कि इस बार मुझे मतलब कि बुझा है इसके डीप में जाना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है वो उसने अपने पपेट को भी बाहर निकाला हुआ था, जिसकी वजह से जो शावन होता है वेस्टर्न किंग को कहता है चलो और जाके मतलब कि लाइट्स को एब्जॉर्व करना है, पहले तो हमें इसके डीप में जाना है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और लगभग थोड़ी देर मतलब कि लगभग आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद शावन जो होता है इस वर्लपूल लाइटनिंग के मतलब कि थोड़े बहुत डीप में पहुंच जाता है जहाँ की जो लाइटनिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है इतनी स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग तक पहुंचने के बाद जो शावन होता है वो कहता है कि चलो मुझे अब आगे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि चाहे मतलब कि मैं आगे चल के लाइटनिंग को सह सकता हूँ, मतलब कि लाइटनिंग मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ है ये थोड़ी बहुत ही खतरनाक है। और मतलब कि आप कह सकते हो कि मुझे अपने पॉपेट को भी देखना साथ में, मतलब कि ज़्यादा मुझे भी कोई दिक्कत ना हो क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा लंबे टाइम तक ट्रेन करना है। हमें दिखाया तो जो शावन होता है
वो पपेट को लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है। जैसे ही जो पपेट होता है उसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है, तो जो पपेट होता है उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करना बैठ जाता है और कल्टीवेशन की फॉर्म के अंदर बैठ जाता है, यानी कि लेग को क्रॉस करके बैठ जाता है। और यहाँ पे जो शावर होता है उसके ऊपर भी एक लाइट अटैक कर देती है, यानी कि एक लाइट टर्निंग आके पड़ती है, लेकिन हमें दिखाई जाए जो रीटेल ई होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देती है, जिसकी वजह से जो रीटेल ई होती है वो उस लाइटनिंग को हमें दिखाई थोड़ी बहुत पावर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। देखिए शावर शॉक हो जाता है, वो कहते हैं क्या रीटेल ही तुम इसको पावर की तरह कन्वर्ट करके मेरी दुगी को बढ़ा सकते हो, क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो रीटेल ही कहता है, मतलब कि रीटेल ही करने लगा, ही करने लगता है। तो हमें दिखाया था, शावन समझ जाते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और शावन भी इस पॉपेट की तरह से लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देखिए शावन बहुत खुश हो चुका था। और हमें दिखाया जाता है कि लिटरली और भी बहुत सारे लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। हमें दिखाया जाता है इस स्पीड को देखिए शावन कहता है, लगभग मुझे यकीन है कि मैं लगभग 1-2 महीने के अंदर अंदर मतलब कि जो टाउशन के 6 स्टार पे पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है जो शावन था इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश था कि यार ये जो चीज़ है मेरे लिए मतलब कि लगभग बहुत ज़्यादा अच्छी है। हालांकि मतलब कि मैं अभी एकदम सीधा टाउशन मतलब कि एकदम क्या आप कह सकते हो, तो सीधा सीधा 6 स्टार के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन हाँ हालांकि ये जो चीज़ है मेरे लिए मतलब कि अच्छी हो सकती है। क्योंकि शावन को लग रहा था कि हाँ भाई अगर इस स्पीड से चलते तो मेरी ताकत अच्छी खासी बढ़ जाएगी, कम से कम मैं इसके पीक या हाई लेवल तक तो पहुँच जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो इस चीज़ की खुशी में था कि भैया बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, तो अगर मतलब कि मैं इस चीज़ को करने में कामयाब हो जाता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो बैठ के क्रॉस लेग करके लगभग 1 महीने तक इसको एब्जॉर्ब करता रहता है। यहाँ पे हमें दिखाया गया था जो डायमंड पपेट है वो अब और लाइटनिंग एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो भी डाउशन 6 स्टार के हाई लेवल या फिर मिड या फिर हाई लेवल के बीच में पहुंच चुका था, या फिर जो सीधे से डाउशन 6 स्टार के हाई लेवल तक पहुंच चुका था। क्योंकि इसकी फिजिकल बॉडी आप जानते हो वो ट्रेन पर जनजाति कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसी वजह से इसकी कम से कम किसी मतलब इस डाउशन लेवल 6 के पीक लेवल के वर्ड से पंगा ले सकता है। तो हमें दिखाया जाता है जो शावन है अब वो और लाइटनिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जो शावन की ताकत है वो भी लगभग लगभग डाउशन 5 स्टार के हाई लेवल तक पहुंच जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो इस चीज़ को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था अपने अंदर और कहता है सच में चलो कम से कम जो इस समय मेरी कल्टिवेशन है वो पूरी हो चुकी है और मैं और ज़्यादा लाइटनिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मुझे यहाँ से पहले चलना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है यहाँ से वापस जाने के लिए उठाई था, लेकिन अचानक से कुछ चीज़ें महसूस होती है और शावन सोचता है कि यार आई कैसे भरपूर के लाइटनिंग के ज़्यादा डीप में क्या है, मुझे वहाँ से कुछ अजीब सी चीज़ महसूस हो रही है, क्या मुझे वहाँ पे चल के देखना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो डिसाइड करता है कि वो इसके डीप में जाएगा, इसलिए जल्दी से वो आगे डीप की तरफ बढ़ जाता है कि चलो भाई वहाँ थोड़ा बहुत घूम के आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है शावन बहुत ज़्यादा डीप में जाता जा रहा था, लेकिन अचानक से शावन थोड़ी देर के बाद एक बहुत मतलब कि डीप में पहुँच जाता है और शावन को कुछ दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा बीस्ट है जिसकी जो साइज़ है वो लगभग 1000 फीट है और ये 10,000, शावन को पता लगता है कि 9 कलर लाइटनिंग ड्रैगन है। तो आप लोग सोचो ये कौन सी बीस्ट की जनजाति है, तो खैर मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई मतलब कि 8 साल की पिल बनती है जिसमें 9 कलर की मिस्टर लाइटनिंग होती है, या फिर आप कह सकते कोई 9 साल की पिल बनती है जो कि मतलब कि इतनी एकदम जो एक बहुत पावरफुल लाइटनिंग को अपने अंदर अट्रैक्ट करती है, तो ये हो सकता है कि वो जो चीज़ लाइटनिंग होती है वो, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल में इसको चीज़ को समझा देता हूँ। देखो गाइस जब भी कोई 8 लेवल की पिल बनती है जो 9 कलर की लाइटनिंग होती है बस वैसी ये भी एक मतलब कि आप कह सकते एक तरह की मतलब कि जनजाति, जैसे कि आपने देखा होगा जब छावन इनर अकेडमी के मैकमा के अंदर गया था तो वहाँ पे आपको शावन को कुछ फायर के बने हुए बंदे मिलते जिन्हें लैपट फायरमैन भी कहा जाता था। जब शावन इस वर्लपूल के अंदर आया तो उसको कुछ बिजली, जैसे ही जो बिजलियाँ होती हैं इनके अंदर मतलब एक अलग सी सोल मिली, यानी कि जो बिजलियाँ थी इनके पास भी सोचने की ताकत थी। और हमें दिखाया जाता है जब शावन को पता लग गया जाता है कि शायद से उनका राजा है, जो कि ये जो बिजलियाँ हैं इनमें से जो बिजलियाँ होती हैं इनमें सबसे जो टॉप की बिजली मानी जाती है, इनकी लाइटनिंग मानी जाती है जो सबसे सबसे पावरफुल लाइटनिंग होती है उसको 9 कलर लाइटनिंग माना जाता है। और शायद से जो शावन है वो सोचता है कि शायद इनका राजा है जिसकी वजह से ये यहाँ पे मतलब कि 9 कलर की लाइटनिंग को रखता है और जो बाकी हैं वो मतलब कि एक मतलब कि आपके डार्क टाइप लाइटनिंग को रखती है, यानी कि एक ही तरह की लाइटनिंग को रखती है जो कि ब्लू कलर की थी। हमें दिखाया जाता है बहुत सारी डार्क ब्लू ब्लू कलर की लाइटनिंग उसके 10,000 फीट से ज़्यादा दूर पे उसके आसपास मतलब कि हमें दिखाया जाता है उसके 10,000 फीट के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करती। और जो हमें बड़ा सा ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि 1,000 फीट लंबा था वो एकदम मतलब कि एकदम सामने बैठा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके आसपास लाइटनिंग हो रही थी और आसपास उससे बहुत सारी ब्लू कलर की लाइटनिंग घेर रखा था क्योंकि वो उनका राजा था, इसलिए हमें दिखाया जाता है। शावन समझ जाता है कि इसकी जो ताकत है शावन कुछ भी इससे पंगा नहीं ले सकता क्योंकि इसकी जो ताकत है वो 7 स्टार डाउशन के ऊपर है। और हमें दिखाया जाता है शावन सोचता है कि चाहे इसके पास 7 स्टार डाउशन की ताकत है लेकिन प्रकृति ने इसके साथ एक धोखा कर दिया, क्योंकि चाहिए लाइटनिंग के मामले में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और उसके बाद बहुत अच्छी खासी ताकत हो, और अगर ये जो लाइटनिंग होती है भी एक तरह का अटैक होता है और अटैक मतलब कि ये भी अपने आप को कल्टिवेट कर सकती है, इसलिए हमें दिखाया था ये इस वर्लपूल को छोड़ के बंदा बाहर नहीं आ सकता।
हमें दिखाया जाता है शाओन के तक कि इसके पास फिर भी सोचने की ताकत नहीं है, यानी कि सोच बूझ की ताकत नहीं है। तो शाओन सोचता है क्या ही फायदा रहा है जब इस बंदे के पास सोच बूझ की ताकत ही नहीं, ऐसे को जी के ही करेगा क्या बिना बुद्धि के। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन होता है वो शाओन को देख लेता है और शाओन के ऊपर एक लाइट का अटैक कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है ये एक बहुत से पावरफुल लाइटनिंग का अटैक था, जो कि आप एक 9th लेवल की पिल की जो लाइटनिंग होती है उसके बराबर समझ सकते हो। हमें दिखाती है बहुत तेज़ी से शाओन तक बढ़ने लगता है। ये देखिए जो शाओन होता है वो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो आसपास लाइटनिंग जो उसका गार्ड कर रही थी उस बड़े से ड्रैगन लाइटनिंग का, जो कि एक ड्रैगन की फॉर्म में था। हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर जो होती नहीं बड़ी लाइटनिंग, ये देखिए जो बाकी के जो गार्ड होते हैं वो भी शाओन के पीछे पड़ जाते हैं लाइटनिंग से। हमें दिखाया जाता है शाओन के पपेट उसे बीच में संभालने की कोशिश करता है और जो लिटिल ली था वो बाहर आ जाता है और लाइट से संभालने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है ये जो लाइटनिंग उस ड्रैगन किंग के द्वारा की गई थी, यानी कि जो लाइटनिंग ड्रैगन किंग है उसकी तरफ से की गई थी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ तक कि शाओन को भी इससे बचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो शाओन है जल्दी से दूर भाग गया था। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो लाइटनिंग है वो भी उसका पीछा करना छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद जब उसका पीछा करना छोड़ देती है हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो दूर से मतलब कि सोल पावर की मदद से उसे देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन किंग था वो मतलब कि इस टाइम पर एकदम लेटा हुआ था और बिल्कुल भी शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि शाओन समझ गया था कि शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए आ सकता है लेकिन ये शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए क्यों नहीं आ रहा, क्या ये मतलब कि क्या करने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बड़ा सा ड्रैगन है वो अपने आप को मतलब कि अपने अंदर एक बुद्धि यानी कि सोचने की क्षमता को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो सोचने की क्षमता को मतलब कि अपने अंदर पाना चाहता है। इसलिए हमें दिखाया जाता है वो जो बड़ा सा ड्रैगन था वो एक बहुत बड़े रिचुअल से गुजरने की तैयारी करता है। इसमें या तो मतलब कि मारा जाएगा या अगर वो बच भी गया तो मतलब कि ये आप कह सकते हो कि उसके पास बुद्धि आ जाएगी। जैसे कि जो बीस्ट होते हैं जब वो एक दाओ जोंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाले होते हैं, जब वो दाओ जोंग के अंदर ब्रेक थ्रू करते हैं तो या तो इन्हें एक बहुत पावरफुल लाइटनिंग से गुजरना पड़ता है, तब वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अगर उस बड़ी सी लाइटनिंग से गुजर नहीं पाए तो वहाँ पर मारे जाएंगे। तो बस इसके साथ भी वैसे होने वाला है, एक बहुत बड़े रिचुअल से गुजरने वाला है। अगर ये उस चीज़ से बच गया और तब इसके पास एक माइंड आ जाएगा खुद का, यानी कि खुद की सोचने की ताकत आ जाएगी। लेकिन अगर ये उस चीज़ से नहीं गुजर पाया तो ये वहीं पर मारा जाएगा। आप यहाँ से समझ सकते हो उसकी ये जो चीज़ है ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जो बंदा होता है उसकी आसपास कुछ अजीब अजीब सी जो लाइटनिंग होती है उसकी बॉडी में जाने लगती है, जिसकी वजह से पहले तो वो जो ड्रैगन है उसको संभाल पाता है लेकिन अचानक से जो उसकी बॉडी होती है वो शिवरिंग करना स्टार्ट करती है, यानी कांपने लगती है। हमें दिखाई देता है ये देखिए जो आसपास बाकी के ड्रैगन गार्ड से लाइटनिंग ड्रैगन गार्ड और ये एकदम लाइटनिंग की फॉर्म के अंदर थे, बिल्कुल भी ह्यूमन फॉर्म के अंदर नहीं थे। हमें दिखाया जाता है ये जल्दी से मतलब कि उस 10,000 के एरिया के अंदर चले जाते हैं जहाँ भी जा नहीं रहते और हमें दिखाई देती है अपने लाइटनिंग ड्रैगन किंग की मदद करने लगते हैं। और वो जो बड़ा सा ड्रैगन था जो 1,000 फीट पर था हमें दिखाया तो उसकी जो आंखें हैं वो थोड़ी थोड़ी बंद होना स्टार्ट हो चुकी थी, और जो बड़े बड़े लाइटनिंग ड्रैगन थे हमें दिखाया जाता है उसकी मदद को कर रहे थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर उसको दे रहे थे मतलब कि अपनी पावर को कन्वर्ट करके उससे बचाने की कोशिश करते, लेकिन वो हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो जो हार मान लेते हैं और वापस पीछे 10,000 फीट पीछे हट जाते हैं। और जो ड्रैगन था उसकी आंखों में एकदम निराशा सी छा जाती है क्योंकि उसे उस लाइटनिंग ड्रैगन को पता लग चुका था कि अब वो नहीं बच सकता, वो मारा जाएगा। हमें दिखाया जाता है इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा निराश था, हालांकि गाइस वो सोच रहा था, उसके पास माइंड नहीं था यानी कि ह्यूमन की तरह बिल्कुल सोच नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके पास थोड़ी बहुत सूझबूझ तो थी ना, वो जो चाहे माना कि वो बहुत कम थी लेकिन फिर भी तो थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है जब ये छह चीज़ शाओन देखते हैं, शाओन सोचता है कि अगर मैं इसकी जाके मदद करूँ तो मैं इसके अंदर की जो 9 कलर लाइटनिंग है मैं उसको निकाल के अपने पास रख सकता हूँ, और अगर इन फ्यूचर में उसको चल के रिफाइन करूँ तो जो मेरी ताकत है वो भी बढ़ सकती है और लगभग मतलब कि कह सकते हो डाउशन आगे या फिर उस 7 स्टार तक बढ़ाने में मेरी मदद कर सकती है। तो जैसे उनके शाओन के दिल में एकदम लड्डू फूट जाते हैं। शाओन सोचता है कि अगर मैं इसकी जाके मदद करूँ तो उसके बदले में इसकी लाइटनिंग को निकाल सकता हूँ ताकि मैं इसको सूझबूझ यानी कि सोचने की ताकत दे सकूँ, सोचने की ताकत से मतलब कि इसकी मदद कर सकूँ। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है बड़ी तेज़ी से इसके पास जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उसका वो जो ड्रैगन था जो कि मतलब कि एकदम मरने की कगार पर पहुंच चुका था, वो शाओन के अपनी तरफ आते हुए देखिए आप उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि शाओन के ऊपर अटैक कर सके, और जो आसपास के जो लाइटनिंग के गार्ड थे वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते, लेकिन हमें दिखाया जाता है शाओन को चकमा देते हुए एकदम उसके सामने पहुँच जाता है उस ड्रैगन की। हमें दिखाया जाता है वो उस ड्रैगन के सामने पहुँचने के बाद उसे कुछ कहता है और कहता है कि अगर देखो मैं तुम्हारे साथ एक डील करना है, मैं तुम्हें इस चीज़ से बचा सकता हूँ, तुम्हें मरने से बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा मतलब कीमत चुकानी पड़ जाएगी। तुम्हारे पास चाहे सोच बूझ की ताकत आ जाएगी लेकिन जो तुम्हारी 9 कलर लाइटनिंग है वो मेरे पास आ जाएगी, हालांकि फिर तुम्हारी जो ताकत है वो फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तुम एक 1,000 बन जाओगे तब। लेकिन हाँ आस्ता आस्ता फिर वो वक्त की बात होगी जब तुम अपनी पूरी की पूरी पावर को वापस से रिकवर कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए पूरी अपनी पूरी ताकत को रिकवर करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, ये बस तुम्हारी टेम्प्रेरी तुम्हारी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। तो ये देख के वो जो ड्रैगन होता है पहले तो कुछ सोचने लगता है, फिर वो हाँ में हिस्सा हिला देता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा सोचने की ताकत नहीं थी। इसलिए हमें दिखाया जाता है जो वज्रपुल जो जो लाइटनिंग गार्ड थे शाओन के ऊपर अटैक करते वो अटैक करना छोड़ देते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन उसके पास जाता है अपनी फ्लेम को निकालता है उस ड्रैगन के सर पे हाथ लगा देता है। हमें दिखाया जाता है
वो ड्रैगन के साथ किसी एक तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, और आसपास की हमें दिखाई दे, ड्रैगन की जो आभा थी वो अस्थिर हो चुकी थी। आस्ता आस्ता वो भी मतलब कि आपके से स्टेबल होना स्टार्ट हो जाती है, और हमें दिखाई देता है अचानक से जो ड्रैगन होता है वो आस्ता से जो साइज़ होता है वो भी छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी पावर जो थी कम होती जा रही थी। हमें दिखाई देता है अचानक से जो थोड़ी देर के बाद जो ड्रैगन होता है उसकी पूरी की पूरी जो पावर थी वो स्टेबल हो चुकी थी, उसके पास जो सोचने की ताकत है वो आ चुकी थी। लेकिन हमें दिखाई देता है उसकी जो ताकत है वो 1009 स्टार तक पहुँच चुकी थी, और हमें दिखाई देता है उसके अंदर से एक 9 कलर की लाइटनिंग निकलती है, जो कि लिटरली उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वहाँ पे हमें दिखाई देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको अपने पास रख लेता है। और वो इसको अपने पास रखने के बाद सोचता है कि वो इसको बाद में इस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके बहुत सारी ताकतवर बन जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है, जब वो देखता है कि जो ड्रैगन है ये 100 फीट छोटा हो चुका है, तो वो ड्रैगन से कहता है अब तुम्हें अपनी ताकत को, तुम्हारे पास जो सोचने की ताकत है वो ह्यूमन की तरह हो चुकी है, अब तुम्हें मतलब कि बस आगे चल के मतलब कि अपने आप की जो पावर है बस आस्ता आस्ता वो रिकवर हो जाएगी। और हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन की आँखें खुली हुई थी, और जो शावन होता है वो भी यहाँ से जाने लगता है, और जो ड्रैगन होता है अपनी आँखें खोल के शावन को दे रहा था, हालांकि वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इस टाइम पर उसकी जो ताकत है वो बहुत से कम हो चुकी थी। लेकिन हाँ, जब वो शावन को जाते हुए देख रहा था तो शावन को एक अलग ही नज़रों से देख रहा था, जैसे कि उसका मास्टर हो, और उसका जो मास्टर है उसने उसकी जान बचाई और उसको यहाँ से छोड़ के जा रहा है। और वो अपने मतलब की आँखों में इससे बता रहा था कि हाँ भाई, वो कभी भी मतलब कि शावन की मदद हमेशा मदद करने को तैयार रहेगा, और शावन को कभी भी उसकी मदद चाहिए तो हमेशा मतलब कि शावन की मदद करेगा। और कैसे अभी भी आप सोचो कि उसकी जो 9 कलर की लाइटिंग हो तो शावन के पास आ चुकी है, तो कैसे मैं बता दूँ उसकी पावर की, जैसे ह्यूमन की तरह एक द्विकी होती है जिसकी वजह से वो अपनी पावर को मतलब कि रख सकते हैं, वैसे इनका ये जो लाइटिंग ड्रैगन किंग है इसकी द्विकी की फॉर्म के अंदर ये 9 कलर की लाइटिंग है, तो आप समझ सकते हो ये अभी शावन के पास आ चुकी है। आस्ता आस्ते करके जो ड्रैगन है अपनी 9 कलर की लाइटिंग को वापस से पा लेगा, और इसके पास सोचने की ताकत भी होगी, और साथ साथ में ये इसके पास लाइटनिंग की पावर वापस आ जाएगी, और कैसे आप समझ सकते हो क्या ही है, फिर वापस अपनी ताकत को रीगेन कर लेगा, और ये शावन की भी ताकत बढ़ जाएगी फिर, मतलब कि ये जो 9 कलर की लाइटनिंग का एब्जॉर्ब करने के बाद। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है इस वर्लपूल को छोड़ देता है, और लिटरली इसे पूछता है कि क्या वो अभी इस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो लिटरली बताता है कि अभी जो शावन है उसकी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए कम से कम ना भी तो शावन को एक 6 स्टार डाउशन तो बनना ही पड़ेगा ताकि उस लाइटनिंग की पावर को संभाल सके, उसके बाद और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे ताकि वो उसको रिफाइन कर सके और अपनी ताकत को 6-7 स्टार डाउशन तक बढ़ा सके। लेकिन 5 स्टार डाउशन की ताकत के साथ अगर इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा शावन तो यहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा, तो शावन कहते हैं चलो ठीक है मैं 6 स्टार डाउशन बनने का मतलब कि देखूंगा, वेट करूंगा। तो हमें दिखाया जाता है शावन ये कहता है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से उस लाइटनिंग वर्पुल से बाहर आ जाता है, लाइटनिंग वर्पुल से बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो क्वीन मेडिसिन के पास जाता है, और जिया भी वहीं पर होती है। और इस टाइम पर जो हमें दिखाया जाता है जो इस टाइम पे आसपास बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी थी, और आसपास का जो यहाँ के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुशी से रहना स्टार्ट हो चुके थे, और यहाँ पे मतलब कि हमें दिखाया जाता है गली में बहुत सारे बच्चे घूम रहे थे खुशी खुशी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर ताकतवर आभाएँ भी थी अभी के टाइम पे। हमें एक बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शावन आता है और आसपास बहुत सारे ड्रैगन बैठे हुए थे, जब शावन वहाँ पे आता है तो जिया भी की आँखें भी खुल जाती है, और उसके साथ में क्वीन मैडर्स भी बैठी हुई थी। हमें दिखाते हैं कि जो सब लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, और जो शावन होता है वो जिया के सामने आने के बाद कहता है कि अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है, और वैसे भी जो मास्टर यावला है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे, तो जो जिया होती है वो कहती है ठीक है शावन तुम अभी जा सकते हो, और यहाँ पे मेरी जो ड्रैगन जाती है उसकी तुम्हें कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता लेना, क्योंकि हमारे जितने मसले हैं वो अब स्टेबल हो चुके हैं, अब हम सेंट्रल प्लेन्स के अंदर कभी भी आ सकते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। तो शावन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो जो आसपास के एल्डर जूली फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर होते हैं वो भी कहते हैं हाँ शावन तुम्हें हिचकिचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब हम मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, हमारी जो वॉइस ड्रैगन पे जनजाति है वो एकजुट हो चुकी है, अब तुम्हें कोई भी मतलब कि हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हमें बेझिझक बुला लेना। तो शावन कहता है कि अभी तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी पावर को मतलब कि वैसे आपकी पावर जो है वो वापस रीगेन तो हो चुकी है, चाहे आपकी 40% मतलब कि जो जनजाति है वो ख़त्म हो चुकी है, तो कहते हैं ये वो जो 40% जनजाति थी हमें उसका दुख तो है कि वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हाँ वो हमारी मतलब कि जो 40% जनजाति है वो कमज़ोर लोग थे, हमारे जो मेन ताकत है वो ये लोग थे, और इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वो हमारी युवा पीढ़ी थी, उनमें से क्या पता कोई बंदा आगे चल के डाउशन या बांछन बनता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो हो चुका है वो हो चुका है, अब हम उसको लेके बैठ नहीं सकते। तो शावन कहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप लोग इस चीज़ से उभर चुके हैं, तो शावन कहता है अब आपको मतलब कि अब 1-2 साल मतलब कि ऐसे गुजारने चाहिए ताकि आपका जो वर्ल्ड टाइम पे जनजाति है आसपास जो लोग हैं उनके अंदर अच्छी सी दोस्ती भी हो जाए, और साथ में वो एक दूसरे को मतलब कि पूरी तरह से अपना मानने लगे, और उनके अंदर जो साथ है वो वापस से बैठ जाए, और साथ ही साथ में वो जो लोग हैं वो एक दूसरे को मतलब कि अच्छे से जानने लगे, इसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा आप लोगों को, तो वो कहते हैं हाँ शावन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और फिर शावन कहता है कि अभी आप लोगों को यहाँ पर रहना चाहिए कम से कम 1 साल तक, और इसको पूरी तरह से स्टेबल कर लेना चाहिए, चाहे मतलब कि अभी आपकी जो ताकत है फिर से आ चुकी है, लेकिन अभी लोगों को विश्वास दिलाना, चाहे उनको विश्वास भी आ चुका है लेकिन फिर भी लोगों के साथ अच्छे से रहिए, और जो आपकी युवा पीढ़ी और अपने मतलब कि जो मेथड्स हैं
यानी कि अपने लोगों को ट्रेनिंग देने की, और जितनी भी चीज़ें उनको स्टेबल कर लीजिए, और चाहते हैं अपने प्रोटेक्शन शील्ड को भी उसे भी स्टेबल कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी ऐसी चीज़ का सामना फिर से ना करना पड़े। तो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, और शावन कहता है जी हाँ, अब क्यूनिवर्सल में जाने वाले हैं, तो तुम अपना ख्याल रखना, किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो फौरन स्टॉप पवेलियन में किसी न किसी बंदे को भेज देना। इस बार जिस तरह तुमने ये भी चीज़ की है, अगली बार ऐसे बिल्कुल मत कराओ, ना मैं तुमसे अगली बार बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। तो इसमें जो जिया होती है कि ठीक है, और गाइस जिया फिर से अपनी बड़ी वाली फॉर्म में आ चुकी थी इस टाइम पर, और उसके पर्पल बड़े से हेयर, और क्या ही मतलब कि मस्त मस्त बॉडी फिगर था। अब क्या ही कहूँ, तारीफ़ करते करते अब क्या ही, तो तारीफ़ तारीफ़ होती है, अब जो भी कहो तुम लोग। जिया एकदम मस्त हो चुकी है अभी के टाइम पर। हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडसर जो शावन होते भावे करके यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि चले जाते हैं, और एक बहुत बड़े मतलब कि पोर्टल खोल के वो यहाँ से जा चुके थे, हमें दिखाया जाता है। थोड़े टाइम के बाद जो शावन होता है वो फॉरन स्टॉप पवेलियन के अंदर आ जाते हैं। फॉरन स्टॉप पवेलियन के अंदर आने के बाद जो शावन होता है मास्टर यावलो इन सबसे मिलता है, और इन सबसे मिलने के बाद सारी सिचुएशन को उन्हें बता देता है। तो ये सुनकर मास्टर यावलो कहते हैं सच में ये ज़्यादा कितनी ये जो चीज़ है कितनी ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन वो कहता है कि शावन तुम्हें पास जाके, और क्यूनर से कहते हैं कि तुम्हें जाके जियो जियो से मिल लेना चाहिए, वो तुम लोग से बहुत टाइम से नहीं मिली, और वैसे भी क्यूनर से तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तो क्यूनर से कहते ठीक है, वो जाके मिल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाह तो पहले जियो पूर्व जियो जियो चैन से मिलता है, फिर जाके जियो जियो से मिलता है, लेटर फाइव डॉटर कालिन भी यहीं पे, किंगलिंग और ये सब लोग आपस में मिलते हैं, और जियो जियो से मिलते हैं। हमें दिखाया जियो जियो इस टाइम में बहुत खुश थे, आके माँ अपनी मम्मा के गले लग जाती है, फिर पापा के। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे लेटर फाइव डॉटर थी वो आके बताती है कि जब तुम लोग यहाँ पे नहीं थे तो उसका ख्याल जो पूर्व जियो चैन थे वो रखा करते थे, उसको मतलब कि सिखाया भी करते थे अपनी टेक्निक्स को, और उन्होंने अपनी इसको बहुत सारी मतलब कि टेक्निक्स भी दे दी हैं, जिसकी मदद से आगे चल के जो जियो जियो बहुत ताकतवर बन जाएगी। और जियो जियो मतलब कि जो जियो चैन थे उनका तो बस नहीं चल रहा था, वो जियो जियो उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आ चुकी थी कि उनका बस चलता था कि अगर जो मास्टर यावलो थे उन्होंने इसको डिसाइपल अपना ना बना लिया तो उसको खुद का डिसाइपल बना लेते, उनका तो बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी द्विगी निकाल के जियो जियो को दे दें। तो शान हंसने लगता और कहते हैं कि जो पूर्व जियो चैन थे वो पहले अपना मतलब कि बहुत कुछ खो चुके हैं, मतलब कि उनका कबीला खो चुका है, लेकिन अब उनको खुश रहने का मौका मिल रहा है, और वो अपनी जो जियो 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 उसको अपनी पोती की तरह देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और गाइस मैं बता दूं कि जो भी शान के डॉटर को शाओ शाओ कहता है, देखो गाइस वो आने वाले सीरीज में शायद से जो जियो के शावन की बेटी है, और आपको जानते हो मेन सीरीज के हिसाब से जो शावन है उसका नाम शावन है, लेकिन नॉवल के हिसाब से जो शावन है उसका नाम जियो जियो यान है, और उसके क्लैन का नाम जियो क्लैन है, लेकिन नॉवल के सॉरी सीरीज के हिसाब से उसके क्लैन का नाम शाओ क्लैन है, उसकी जो डॉटर है शायद क्या पता उसका नाम भी शाओ शाओ, और जो यहाँ पे नॉवल है इसका नाम इधर इसका नाम जियो जियो है। तो अगर आगे चल के नाम चेंज हो जाते तो मुझे ब्लेम मत करना, लेकिन हाँ नॉवल के हिसाब से जो शावन की बेटी है उसका नाम जियो जियो है, तो मैं इसको जियो जियो ही कहूँगा। हमें दिखाया जाता है वो कितनी सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर हमें दिखाते हैं वो थोड़ी देर बात करते हैं, वो जो जियो चैन है वो आगे क्यूनिवर्सल से मिलते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि शावन की बीवी कितनी ताकतवर, शावन से कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी जो बीवी है वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पहले जो तुम्हारे साथ थी यूनर उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए क्यूनिवर्सल थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन अब क्या कर सकती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं लेकिन तुम्हारी बीवी जो है वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद नाइन करोड़ पाइथन की मतलब की ताकत है, ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है, एशियन टाइम में ही कमी होते हैं ऐसे लोग जो ऐसा कर पाते हैं, इनकी जो फ्यूचर की मतलब की उपलब्धियाँ होंगी बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगी, जिसकी जैसे अब क्यूनवर्स के यहाँ पे आने की वजह से हमारा जो स्काई मेंशन लाइन है इसकी जो ताकत है वो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो शान कहते हैं हाँ अब मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो यहाँ पे ताकत के मामले में कोई भी नहीं होगा, अब जो यहाँ पे क्यूनवर्स है वो एक सिक्स स्टार डाउशन सी अगर अपनी ट्रू पावर में आ जाए तो लड़ सकती है। तो हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम शावन यहाँ पे जियो जियो के साथ अपने जो लोग होते हैं उनके साथ रहता है, और अपने भाइयों के बारे में भी हाल चाल पूछता है, क्योंकि गाइस अभी के टाइम वो जीमा एम्पायर के अंदर उन सब चीज़ों को संभाल रहे थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन के बाद जो शावन होता है वो मास्टर यालो उसको अपने पास बुलाते हैं, और शावन को अपने पास बुलाने के बाद शावन को बताते हैं कि जो मास्टर यालो का याओ क्लैन था वहाँ से अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है। तो शावन पूछता है क्या इन्फॉर्मेशन आई है, तो शावन को बताते हैं कि जब वो आ रहा था तब उसने मतलब कि याओ क्लैन का जो बंदा था एक याओ त्यान उसने शावन को तब एक मतलब कि एक आप कह सकते हो कि एक इनविटेशन कार्ड दिया था। तो शावन कहते हैं हाँ, तो बताते हैं कि वो जो मतलब कि कार्ड है वो इसी पिल गैदरिंग मतलब कि तुम कैसे जैसे पिल गैदरिंग कंपटीशन होता है वैसे याओ क्लैन के अंदर भी एक पिल गैदरिंग कंपटीशन होता है, लेकिन वो जो कंपटीशन होता है वो पिल गैदरिंग से बहुत ही डिफरेंट होता है। वहाँ पे जो मतलब कि एल्केमिस्ट जाते हैं वो इस पूरे की पूरे द्विकी कॉन्टिनेंट के ट्रू एल्केमिस्ट होते हैं, और यहाँ तक कि जो भी उनमें टॉप पे आता है उससे इस द्विकी कॉन्टिनेंट का ट्रू और सबसे ज़्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट में से एक माना जाता है। तो ये सुन के शावन बिल्कुल शौक रह जाता है कि ये तो सच में बहुत खतरनाक है। तो वो पूछते हैं कि मास्टर यालो आप जाने वाले हो, तो मास्टर यालो को शावन को बताते हैं कि शावन मेरी ज़िंदगी का एक सपना था कि मैं जाके अपने मामा पापा जो मेरे माँ बाप थे उनका जो नाम है उस पट्टिका पे लिख सकूँगा। ये एक मतलब कि आप कह सकते हो
एक पट्टिका होती है जिसके अंदर मतलब कि जो सबसे सम्मानित लोग होते हैं इस याओ कबीले के अंदर, उन्हीं का नाम लिखे जाते हैं। तो जो जो ईसाई मास यावला होते हैं वो भी उनका नाम लिखना चाहते थे, लेकिन अभी उनके पास कभी मौका नहीं रहा क्योंकि उसे उन क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था उस बंदे के द्वारा। लेकिन हमें दिखाया जाता चाहूँगा कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, इस बार आपका डिसाइबल जाएगा और आपकी जगह इस टाइम पे वो बिल्कुल रिफाइन करेगा, उस कंपटीशन को जीतेगा। अगर मैं कंपटीशन जीत जाऊँगा तो कम से कम हमारे पास ये चांस तो होगा ही ना कि आप वहाँ पे जाके अपने माँ बाप का जो नाम है दर्ज कर सकते हैं। और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका जो सपना है वो पूरा करना इस डिसाइपल की जिम्मेदारी है। तो जो मास्टर यावला होते हैं वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम्हें हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें मेरे सपनों को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हालाँकि वो मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं उनका नाम उस पट्टिका पर दर्ज करूँ, लेकिन इस टाइम पर हालाँकि उस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट हो इस टाइम पर तुम हो, क्योंकि मेरा तो पूरा परिवार इस टाइम पर तुम हो और जियो जियो। तो हमें दिखा शावन हंसने लगता है और पूछता है कि जियो जियो का इस टाइम पे मास्टर कैसा चल रहा है। तो मास्टर हंसते हुए बताते हैं कि जो जियो जियो है उसका टैलेंट तुमसे बहुत ज़्यादा हाई है, वो पहले ही डाउजन बन चुकी है और ऊपर से उसके डाउशन बनने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और इसके साथ साथ उसकी जो एल्केमी पावर है वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि वो एल्केमी के अंदर भी तुमसे आगे निकल जाएगी, निकल सकती है, मतलब कि अगर उसे और टाइम दिया जाए तो। छावन हंसने लगता है कि आखिर वो बेटी है और कहते अपने बच्चों की अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखते हुए छावन को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो हमें दिखाया जाता है मास्टर यावला कहते हैं कि चलो अब हम एक दो दिन के बाद यहाँ से निकल जाएंगे याओ कबीले के लिए, तब तक मैं यहाँ के जितने भी काम है वो जियो चैन ही संभालेंगे, एल्डर जियो चैन। तो हमें दिखाया जाता है कि वो इस चीज़ को डिसाइड कर लेते और सबको बता देते जियो चैन को भी। तो वो कहते कोई बात नहीं, आप जाइए अपने काम को अच्छे से निपटाइए आराम से, तब तक फिर आप वापस आ जाना। और कहते देखो अभी मास्टर यावला और शाहन यहाँ से अगर चले भी जाएँ तो यहाँ की जिस टाइम पर जो ट्रू पावर है इस टाइम पर पीछे वो उस टाइम पर क्वीन मेडोसा और साथ में जियो चैन है, जो कि इस पूरे के पूरे क्लैन को मास्टर यावला के बिना भी संभाल सकते, क्योंकि जो मास्टर यावला है कैसे उनकी जो ताकत है वो फर्स्ट स्टार डाउशन है, और यहाँ पर देखा जाए तो शाहन चाहे एक 5 स्टार डाउशन है और वो बहुत ताकतवर भी, लेकिन इस टाइम पर देखा जाए तो क्वीन मेडोसा जो कि एक 4 स्टार डाउशन है जो कि एक 6 स्टार डाउशन से भी फाइट कर सकती है अगर वो अपनी ट्रू पावर में आ जाए, और ऊपर से पूरा जियो चैन जो कि एक 5 स्टार डाउशन के मिड स्टेज पे अगर वो अपने कबीले के टैटू को सक्रिय करते तो एक 5 स्टार डाउशन एक हाई लेवल डाउशन 5 स्टार भी बन सकते हैं वो, जिसकी वजह से वो यहाँ की ट्रू पावर है और होलो सोल का लीडर भी यहाँ पर आके छोड़ो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हो कि वो तो पहले ही मारा जा चुका है, लेकिन हाँ गाइस आगे मैं आपको चलो एक और चीज़ बता देता हूँ कि आगे चल के वो जो बंदा है वो रिटर्न यहाँ पे वापस आने वाला है, क्योंकि आपको वो याद हो तो उसकी सोल को वो लेके चले गए थे उसको ठीक करने के लिए, तो अभी तक उसको ठीक कर देंगे, उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लगभग लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको मैं आगे आने वाले एपिसोड में बता दूंगा, क्योंकि कैसी जो एपिसोड है ये मतलब कि अक्टूबर तक मतलब कि आपको बता दूँ, ये जो सीरीज़ है वॉल्यूम 1 वो ख़त्म होने वाला है और जो वॉल्यूम 2 है वो भी स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस इसी के साथ ये जो एपिसोड है भी यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि जो मास्टर यावला हैं और शावेन क्या वो जाके मतलब कि एक बहुत पावरफुल पिल को बना पाएगा, और क्या वो इस दुखी कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट के अंदर अपना नाम दर्ज कर पाएगा। और गाइस मैं बता दूँ कि जो यहाँ पे ये जो याओ क्लैन के अंदर जब ये लोग जाएंगे तो यहाँ पे इनके साथ कुछ ज़्यादा मसले तो नहीं होने वाले, लेकिन हाँ ये यहाँ से स्टार्ट होगी फाइनल बैटल की, यानी कि मैं बता दूँ कि जो हुन कबीला है और ये जो आप 8 प्राचीन कबीले इनके अंदर फाइट भी होने वाली है, और एक बहुत बड़ी फाइट यहाँ से स्टार्ट होगी, और यही वो टाइम है जहाँ से मतलब कि इस वॉल्यूम 1 का एंड स्टार्ट होने वाला है, और ये इसके फाइनल एपिसोड्स भी अब आना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि लगभग अक्टूबर की स्टार्टिंग तक आएंगे, और अक्टूबर की स्टार्टिंग तक ये जो वॉल्यूम 1 है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मुझे अपना ओपिनियन पहले बता देना कि मुझे आके वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करना चाहिए किसी और नॉवल को, जैसे कि पहले मैं आपको लोगों को बता दूँ कि जो हमने थ्रोन ऑफ स्टील जहाँ से विशाल भाई एक्सप्लेन करते हैं वहाँ से पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, और जहाँ तक रही बात सैलोट स्टार की जहाँ से मतलब कि आप कह सकते हो कि एक्सप्लेनर बॉय ने ख़त्म की थी, और उसके बाद थोड़ी सी मतलब कि स्कैरी बॉय ने स्टार्ट की थी, और फिर वहाँ से जहाँ से उन्होंने मतलब कि थोड़ा बहुत जब उनकी सेहत ख़राब हुई थी तब तो हमने स्टार्ट की थी, और जो थ्रोन ऑफ सील है उसको भी हमने खत्म सॉरी मतलब कि सैलोट स्टार उसे भी हमने ख़त्म कर दिया वहाँ से, और अब ये जो मतलब कि BTTH है ये भी ख़त्म होने जा रही है। तो कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि हम इस तीसरी नॉवल को ख़त्म करने जा रहे हैं। और हाँ अगर इसका जो पार्ट 2 है यानी कि वॉल्यूम 2 वो भी चाहिए आपको तो मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं इसको लाने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी बैठा हुआ हूँ, ये तो बस मुझे आपकी बातों की ज़रूरत है। और हाँ गाइस जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक कर दो, और जो हमारा सब्सक्राइबर आई एम कल का 8.70 है उसको भी कंप्लीट कर दो ना यार, प्लीज़ यार कंप्लीट कर दो ताकि मैं कल आपके लिए 2 वीडियो ला सकूँ, और साथ ही साथ मैं वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि जो 800 लाइक का एम है वो भी कंप्लीट करा दो। वैसे तो आप 1 के करा देते हो लेकिन अगर करा सकते हो 1 के तो आपकी मर्ज़ी करवा दो। और हाँ गाइस अपना सपोर्ट यार आगे ऐसे बनाए रखना, और मैं आपको हमेशा से एक ही चीज़ कहता हूँ कि थैंक यू यार इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और मुझे इस लेवल तक पहुँचाने के लिए, वरना यार देखो आज से मैंने कम से कम 5 से 6 महीने पहले इस जो चैनल है इसको स्टार्ट किया, और मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी जल्दी और इतने कम टाइम में आज हम लोग इस लेवल तक आ पाएँ, ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ है। बस 10K तक हमें पहुँचना है, तो प्लीज़ यार जल्दी से